म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके सवालों के जवाब के इंतजार में हम हैं और कई सवाल आए भी हुए हैं हमारे पास। श्वेता जैन हमारे साथ है, हमारी आज की एक्सपर्ट। रॉबिन गुप्ता का ये सवाल हमको मिला है, 35 साल के हैं ये श्वेता। इनके पास मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड है, उसमें 5,000 रुपये डाले हैं इन्होंने। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड है, उसमें 2,500 डाले हैं। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, उसमें 2,500 रुपये डाले हैं। SBI ब्लू चिप में 2,500 रुपये डाले, और ये सारे इनके रेगुलर फंड हैं। ये कहते हैं कि क्या मैं डायरेक्ट प्लान में जाऊं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट प्लान्स ओवर रेगुलर प्लान, और इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये जानना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इनको 2 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाना है 15 साल में, और हाउ शुड आई प्लान माई पोर्टफोलियो। अगर देखें तो लगभग 12,500 रुपये ये महीने का डाल रहे हैं अभी इस वक्त। क्या कहेंगे श्वेता आप कि किस तरह का पोर्टफोलियो इनका बन रहा है, और जो इनका स्पेसिफिक सवाल है कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान इनमें ये कौन सा बेटर है, किसके क्या एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं, ये भी ज़रा बता दीजिए। जी, फर्स्ट मैं के स्कीम्स पे थोड़ा कमेंट करना चाहूंगी। मोतीलाल का जो मल्टी कैप फंड इन्होंने चूज किया हुआ है वो काफी अलग स्कीम है और काफी अच्छी स्कीम है। मल्टी कैप स्पेस में थोड़ा सा लार्ज कैप बायस भी है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इस स्कीम का, क्योंकि फंड हाउस वैसा ही अप्रोच फॉलो करती है। तो अच्छी स्कीम है, थोड़ी अलग स्कीम है। बाकी मेरे भी अच्छी स्कीम में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। SBI ब्लू चिप भी अच्छा फंड है, तो इन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छा लिया हुआ है। स्कीम्स ज्यादा ना बढ़ाए अच्छी बात है, ये जैसे इन्वेस्ट करते रहे इनका पोर्टफोलियो वैसे बढ़ता रहेगा। इनका जो सवाल है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, अगर ये अपने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन इनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि रेगुलर में क्या होता है कि अगर आपका एडवाइजर है तो उसको कमीशन भी जाता है, तो आपने जिसके भी थ्रू किया है उनको कमीशन भी जाता है, तो डायरेक्ट में आपका वो एक्सपेंस बच जाता है, तो आपके एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं डायरेक्ट में। बट इसके पहले कि आप इमीडिएटली स्विच करें, 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कि आपने जो स्कीम्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन पे अगर एग्जिट लोड्स या टैक्सेशन है, तो जब आप इनको रेगुलर से डायरेक्ट मूव करेंगे तो ये इसको दूसरा स्कीम जैसे ट्रांजैक्शन माना जाएगा, तो आपके कैपिटल गेन्स हो सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म है, क्योंकि सारी एक्री स्कीम्स दिख रही है मुझे। तो आप वो ध्यान में रख के फिर आपको उनको स्विच करें। आप जो नया इन्वेस्टमेंट है वो भले ही डायरेक्ट में स्टार्ट करें, बट हम जब डायरेक्ट में करते हैं, क्योंकि आप अपने आप कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डिसिप्लिन रहे। आप हमारी टेंडेंसी रहती है कि जब अपने आप कर रहे हैं तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मार्केट नीचे जा रहा तो हमने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, स्पेशली कि एडवाइजर कोई नहीं है। तो आप उस बात का ध्यान रखें कि डायरेक्ट में भी आप अपना एकदम डिसिप्लिन बनाए रखें। चलिए एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नवीन है कोलकाता से। नमस्कार नवीन। नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? ठीक है? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज से तो शुरू हो गया पूजा। हाँ, पूजा तो स्टार्ट हो गया। क्या करेंगे अब अगले एक हफ्ते? आप बहुत मजा करेंगे। बहुत मजा करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे पियेंगे। हाँ, और खर्चा थोड़ा कम करेंगे कि खर्चा भी बहुत करेंगे? खर्चा तो साल में तो एक बार ही होता है, कल खर्चा तो कुछ हो जाता ही है सर। नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत ही फेस्टिव सीजन है और कलकत्ता में तो बहुत ही मजा आता है इस सीजन का। ये बताइए आपके पैसे जो है उनको इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही तो आप लोगों का सलाह यही है, क्या कह रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ क्या नहीं जा रहा हूँ? मैं 15 साल में मैं हर महीने 15,000 करके देता हूँ, तो कितना रिटर्न आएगा? और एक सवाल है मेरा, और भी 15,000 ये चलता है, मतलब फिक्स FD है, तो उसको क्या ब्रेक करके म्यूचुअल फंड ला सकता हूँ, बैलेंस में चलू? 15 लाख की FD है आपकी? नहीं, हर महीने 15,000 का FD चलता है, मतलब RD चलता है। RD, अच्छा RD चलता है आपका 15,000 का, और ये जो 15,000 है म्यूचुअल फंड, ये कर चुके हैं आप इन्वेस्ट के, जानना चाहते हैं कहाँ करें? नहीं नहीं, कर चुका हूँ ऑलरेडी, कर चुके हैं आप? कहाँ कहाँ किया बताइए जरा। फ्रैंकलिन इंडिया में है मेरा 4,000 रुपया का टैक्सेबल, और DSP ब्लैक रॉक टैक्सेबल में भी 4,000 है, और बिरला सनलाइफ इक्विटी में 3,000 है,
और जीएसटी ब्लैक बक स्मॉल एंड मिड कैप में 3,000 है। अच्छा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,000 रुपया है। ठीक है चलिए। श्वेता ये सवाल आया है आप सुन चुकी होंगी, इन्होंने 5-6 स्कीम्स ली हैं, दो सवाल हैं इनके। एसआईपी तो ये 15,000 के कर रहे हैं और 15,000 इनका आरडी में भी जा रहा है रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने, और ये जानना चाहते हैं कि वहाँ से क्या कुछ पैसे निकाल कर म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं कि वहीं पर रहने दें। गोल इनके आपने सुने, लंबे लॉन्ग टर्म का ही गोल है इनका और 1-2 करोड़ तक का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। जी तो इन्होंने जो बात की है कि टैक्स सेवर फंड में ये डाल रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है कि एटीसी के हिसाब से डाला है तो उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। जो इनका आरडी का पैसा है वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, वो आईडीएफसी एसएसआईएफ में देख सकते हैं, काफी अच्छा फंड है, पेपर क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है, कॉन्जर्वेटिव डेट फंड है तो ये उनमें स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 रुपये 15,000 रुपये जो इनका महीने का जा रहा है 10,000 वो इस स्कीम में डाल सकते हैं। और बिरला मीडियम टर्म प्लान है वो भी काफी अच्छा डेट फंड है, उसमें वो 5,000 रुपये महीने के डाल सकते हैं। क्या होता है आरडी के अगेंस्ट जो डेट फंड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं इनका पैसा क्योंकि लॉन्ग टर्म है ये इसमें डाल सकते हैं, टैक्सेशन वाइज ये एफिशिएंट हो जाता है थोड़ा, तो फिर ये दो स्कीम्स में ये डाल सकते हैं।